हेलो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 कक्षा 8 के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मानव रूप में बदलिए। यहाँ पर कुछ संख्या दे रही है, वो मानव रूप में मतलब वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है इनको। तो 1 2 8, 1 2 3 4 5 6, 6 0 है अभी। तो इनको वैज्ञानिक रूप में लिखना है। देखो कैसे लिखते हैं, 1.28 पॉइंट मान लगाया हमने इस 2 के बाद। तो यहाँ इसके बाद जो भी संख्या है हमको 10 के बाद के रूप में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी बात में नहीं 8। दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 0, 2 6 7 0। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, 1.68 पॉइंट यहाँ लगाया, तो इस बार सर सीधा मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर दस का 9 लिख दो। ठीक है, तीसरा जो 0.0005। ठीक है, तो देखो यहाँ एक संख्या को पॉइंट से पहले लिख लिए, तो 5 ही, तो 5 लिख दो, 10 की घात। हमने इस 5 की कितनी संख्याओं को पहले लिख लिया, चुके हैं 4 संख्याओं, 1 2 3 4, यहाँ पर मिलेगा माइनस की 4। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 0.1 2 3 6 0, 1 2 3 4 5 6 1 और 7। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है साफ साफ से, तो आप इनको उतारे। हाँ देखो 0.1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो करते क्या है, एक सीधा हम पॉइंट से पहले लिखते हैं, उसके बाद में इस तरह लिखते हैं गुणा 10 की घात। तो देखो कितनी संख्या है पॉइंट से पहले जा चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 0 है, उसके अलावा 7 तो इधर कोई है, सिर्फ एक ही है इधर, तो कितना हो जाएगा इसके बाद माइनस के 7। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है देखें, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 6 7 8 9 397, एक संख्या पर निकल जाता है पॉइंट से पहले, और ये ठीक है गुणा 10 की घात। लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याएं हैं, लेकिन इसमें से 2 संख्या का पॉइंट भी बाद में ही है, तो क्या लिखेंगे माइनस के 10। ये हो गया 5 का। अब करेंगे छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन सेम ऐसे जैसे ही है, 0.1 2 3 4 5 6 7 9 158। मैं एक बार दोबारा 0 भी लूँ, ठीक है, तब तक आप हाँ सही है। देखो यहाँ पे लिखेंगे एक संख्या पॉइंट से पहले, बाकी 358, तो संख्या ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से 3 संख्या पॉइंट पहले ही, तो क्या लिखेंगे 11 में से 3 हटाए कितने बचे 8, तो माइनस के 8। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद ही संख्या है, अगर पॉइंट के पहले होते तो क्या संख्या निकलता। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला, दूसरा क्या बोल रहा है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है, 4 × 10^9, तो इसका सीधा से मतलब है 4 × 9 = 2 4 2 6 2 8 9, पहला हो गया। इसी तरह से दूसरा, 245 × 7, 10^7, 245 × 7 = 7। ये हो गया तीसरा, 5.61729 × 10^7। देखो ये बढ़िया सवाल है, 2 2 4 और 1 5 संख्या ऐसे रहेगी, 5 तो ऐसे रहेगी घात फिर 0 की लगाएंगे 7, तो इसमें से 5 से घटा दो, तो 2 0 लगाएंगे आप। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, 8.5
गुणा लसी का माइनस छ। देखो यहाँ पर एक संख्या प्लस में है, बाकी सारी संख्या माइनस है, तो यहाँ पर हम कितने जीरो सकाएंगे, पांच। तो जीरो को एक दो तीन चार पांच ये ले लेंगे, ठीक है। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है 3.02 गुणा 10^6 माइनस छः, 3.02 गुणा 10^6 माइनस छः। देखो इसी तरह से एक संख्या को हम इधर ले सकेंगे, एक से 300 देखो 0.30 लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच बाकी 3 0 इस तरह से। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 × 10^6 माइनस चार, 7 × 10^6 माइनस चार 0.1 एक दो तीन चार, ठीक है। देखो 7 धनात्मक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको 7, क्योंकि एक तो प्लस में पहले से इसको इधर ले जाने के लिए एक सब प्रयोग कर दिया, ठीक है। ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए, पहले 3.0 पहला और दूसरा, और तीसरा करते हैं, तीसरे में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं बोर्ड मिटाता हूँ, आप वीडियो रोक कर इन सारे क्वेश्चन को उतार लो। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे निम्न कथनों की संख्या को मानक रूप में बदलिए, तो वही है कि मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास लगभग 0.0002 सेंटीमीटर है, इसको मानक रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे, 2.2 × 10^6 एक दो तीन चार हो गए तो −4 सही मिलेगा, ये पहले हो गया। इसी तरह से दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना कूलम होता है, ठीक है, तो 0.1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 16 क्या होगा, 6 × 18 ठीक है, 1.6 × 10^6 माइनस कितने लिख सकते हैं, 18 तो 0 है और एक संख्या हमने 10 ही रखी है, मतलब एक और प्लस मिल गया तो एक और बढ़ जाएगी, ये हो गया, ठीक है। कूलाम तीसरा, एक बटे एक किया गया 6 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 × 10^6 −6 ठीक है। और चौथा, एक आवेश मोटर 0.0016 सेंटीमीटर है, इसको मानक रूप में बदलना है, तो मानक रूप में 1 2 3 1.6 × 10^6 कितनी हो जाएगी, 1 2 3 तो यहाँ 4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक तो इधर चला गया होगा, तो ये सेंटीमीटर, ठीक है। आप वीडियो रोक कर उतारें, तब तक मैं मिटाता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अपना ये वीडियो पूरा होता है, और अपनी ये प्रश्नावली जो तीसरी थी ये भी ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली चौथी, जिसका नाम है दिमागी कसरत, वो हल करेंगे। बहुत अच्छी प्रश्नावली है, मज़ा आएगा इसको करने में। और यदि ये प्रश्नावली आपको समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई हो तो आप एक बार दोबारा देखें वीडियो को, और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, उनके व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर, या फिर आप उनको वर्बली बोल भी सकते हैं कि मैंने वहाँ से पढ़ा था, आप भी पढ़ लीजिए। और APS कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो घंटी का चिन्ह है उसको भी दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप देखते रहिए APS कोचिंग सेंटर, धन्यवाद।